नमस्कार साथियों, आज का वीडियो होने वाला है इम्प्रूवमेंट के ऊपर, मतलब सुधार के ऊपर। इसके दो मेन टाइप हैं, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इनके बारे में जानेंगे और क्या इनमें मेन डिफरेंस है वो पता करेंगे। जो चैनल पे नया है उनको मैं बता देता हूँ, चैनल पे तीन प्लेलिस्ट हैं, तीन टाइप के वीडियो आते हैं। एक वीडियो होता है फैक्ट चेक के ऊपर, जिसमें हम वायरल टॉपिक का फैक्ट चेक करते हैं। एक वीडियो होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर और एक हमारी प्लेलिस्ट नॉलेज हम, आज का वीडियो उसी का पार्ट है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से, वीडियो को अंत तक पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में आप लोगों को एक सरप्राइज मिल सकता है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्री में आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब ज़्यादा देर नहीं करते और मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट की या सुधार की। तो हर कोई अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, चाहे हेल्थ वाइज हो या फिर फाइनेंशियल वाइज हो, या फिर हम बोल सकते हैं खुद के लेवल पर या फिर सरकार के लेवल पर। अरे कहना क्या चाहते हैं? चलो दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सीधा डेफिनेशन पर आते हैं, यानी कि परिभाषा। दोस्तों, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मूविंग ए थिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर बेटरमेंट। हिंदी में बात कर लेते हैं, ऐसी प्रक्रिया जो किसी भी चीज़ को उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदले बेहतरी के लिए, उसको हम बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, ये बात हो गई डेफिनेशन की। अब इसके जो दो मेन टाइप हैं उनके बारे में बात करते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। इनमें क्या डिफरेंस है? दोस्तों, बात करते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की, यानी कि लगातार सुधार की। इसको हम ब्रेक फ्री या फिर स्टॉपलेस इम्प्रूवमेंट भी बोल सकते हैं। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सीधे बिल्कुल इंक्रीजिंग लाइन में आप लोगों को ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको लीनियर इम्प्रूवमेंट भी बोल देते हैं। इंडस्ट्री के टर्म में बात करें तो काइजन या फिर टाइप ऑफ वेस्ट, मुरी मुड़ा, वो सारे यूज होते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने के लिए। काइजन और वेस्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, वो आगे जो हमारे चैनल की वीडियो आएंगी उसमें आप लोगों को पता चलेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्यों खतरनाक होता है किसी केस में, उसके बारे में जानते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज का ही टाइम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोरोना वायरस के बाद आपका कोई होटल चेन है, काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है। आपने क्या किया, आपने बिजनेस को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने के लिए सारी इन्वेस्टमेंट एक नया होटल खोलने में लगा दी। हुआ क्या, कोरोना वायरस आ गया, अचानक से पूरी होटल इंडस्ट्री शटडाउन हो गई। आप लोगों के साथ ये सिचुएशन हो जाएगी, ना घर का ना घाट का, मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट आपने वहाँ पर लगा दी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने के लिए, आप लोग अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ गए। दोस्तों, यही नुकसान होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने का। आइए दोस्तों, अब कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की। यहां पे बात हो रही है लगातार सुधार, लेकिन रुक रुक कर, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है यहां पे। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यह कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से कम रिस्की है, इसमें रिस्क फैक्टर काफी कम है। वो कैसे, इसमें काफ़ी सारे टर्म यूज होते हैं, पीडीसीए साइकिल, विजन मिशन। विजन मिशन के ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप चैनल के आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिक चीज़ों की, इसमें रिस्क फैक्टर कैसे कम है। मैं इंडस्ट्री के टर्म एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे आपका टर्नओवर 50 करोड़ है और आप लोगों को 100 करोड़ के लेके जाना है टारगेट, तो आप क्या कर सकते हैं, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ के इंटरवल बना सकते हैं, ताकि जैसे ही आप 60 करोड़ अचीव करें उसको सस्टेन करें, उसके बाद आप 70 करोड़ का टारगेट लें, फिर 70 करोड़ अचीव करें, फिर वहाँ पे सस्टेन करें, फिर 80 करोड़ अचीव करें, फिर 90 और उसके बाद 100 करोड़। इस केस में दोस्तों रिस्क फैक्टर कैसे कम है, जैसे आप लोग अगर अपने 100 करोड़ का टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप 90 करोड़ पे सस्टेन करेंगे, क्योंकि आप लोगों को उसका एक्सपीरियंस हो गया है कि 90 करोड़ पे कैसे सस्टेन करना है। लेकिन सेम वही चीज़ अगर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में करते, जैसे मैंने आप लोगों को होटल का एग्जाम्पल दिया था, तो आप 50 करोड़ से डायरेक्ट 100 करोड़ का टारगेट रखते, और अगर 100 करोड़ का टारगेट नहीं पूरा हो पाता तो आप इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाते। तो दोस्तों, यही फर्क है दोनों इंप्रूवमेंट में। मुझे लगता है आप लोगों को छोटा सा इस वीडियो से समझ में आया होगा कि कंटिन्यूअल में क्या फ़र्क है। आप अपने पर्सनल लेवल पर भी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट पर ज़्यादा फोकस कीजिए, रिस्क फैक्टर को काफ़ी कम कीजिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस सरप्राइज की जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं स्वयं की, यानी कि खुद की। आप स्वयं की सहायता से ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है स्वयं यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट की, और अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो स्वयं की खुद की एक एप्लीकेशन भी है। यह क्या चीज़ है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम ही है एक। कक्षा 9वीं से लेकर तकरीबन पोस्ट ग्रेजुएट तक के सारे कोर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे।
इसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो इसका जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपको यहाँ पर फ्री में सारे कोर्स मिल जाएंगे, जैसे सी प्लस लैंग्वेज का हो गया, जैसे आपको पाइथन सीखना है वहाँ पर मिल गया, अगर इंजीनियरिंग की बात करें मैकेनिक्स के कुछ सब्जेक्ट हैं वहाँ पर आप सीख सकते हैं, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आप फ्री में पूरा कोर्स सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट लेना है तो आप लोगों को टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको टेस्ट की कुछ फीस लगेगी। जैसे आप टेस्ट को पास कर लेंगे आपको बाकायदा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पे 9 नेशनल रेगुलेटरी बॉडी का भी सपोर्ट है गवर्नमेंट को, जिसमें NIOS, IGNOU, AICTE और भी NCERT वगैरह सभी उनका सपोर्ट है। तो दोस्तों इस पोर्टल पर आप जाकर या फिर उसके एप्लीकेशन पर जाकर उन कोर्सेज को फ्री में सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था इम्प्रूवमेंट के बारे में, कंटिन्यूस और कंटिन्यूअल में क्या डिफरेंस है। आप लोग भी कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्वयं के पोर्टल या फिर स्वयं के एप्लीकेशन पर जाकर अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट जो हमारी नॉलेज वाली है उस पर लगभग मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बच गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के अंत में और आई बटन पर भी डाल दूंगा, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आगे हम थोड़े और डीप में जाएंगे, जैसे मैंने बताया काइजन और PDCA वगैरह, अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपको इनको समझने में आसानी होगी। इस तरह की वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए ताकि आपके अभी यार दोस्त अपने आप को इम्प्रूव कर सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ सुझाव है तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।